अना जरा पक जरूर शिवाजी महाराज की जय। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय तेलंगाना जय तेलंगाना जय तेलंगाना। हाँ ठीक है ना। जय भीम। आज हमारा जॉइनिंग टीआरएस में होना, हम जा रहे बीजेपी में काम कर रहे थे, मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। बहुत कोशिश करे बोलोगा खुद का करना, हम किसी का सपोर्ट नहीं था। आज हमारे केसीआर साहब जय तेलंगाना को हमारे को बहुत उम्मीद रखते हैं। हमारी गली गली में रोड, नल, लाइट और हमारी बहुत उम्मीद है। पानी का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये होगा। जय भीम जय तेलंगाना भी है तो केसीआर साहब का, इसलिए है कि तेलंगाना हासिल करना आसान काम नहीं था। तेलंगाना लेके आना वही लीडर ले रखकर आ सकता है जिसमें 56 इंच के सीने की जरूरत है, छाती की जरूरत नहीं है, 6 इंच के दिल की जरूरत। वो दिल 6 इंच का है वो केसीआर साहब के पास। उतने दिल वाले लीडर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। उन्होंने खासतौर से जो तेलंगाना स्टेट 1969 में दुनिया के लोग कुर्बानी दिए, मैं नहीं बन सका। और हमारे सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया और तेलंगाना हासिल करने के बाद सारे लोगों के साथ इंसाफ किया। या किसी भी आदमी इतने डाइस पर है यकीन हर कोई कमेटी के साथ सीएम साहब ने इंसाफ किया है। रामपाली के रोजों से माजरा चाहता हूँ। दो तीन लोग कहे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हमारे रियाजी पे रुक गए पोस्टों के बारे में। इंशाल्लाह आने वाले वक्त टाइम आएगा तो जरूर जितने लोगों को पोस्ट की जरूरत होगी जब भी सीएम साहब डिसाइड करेंगे हम कबूल करेंगे। और हमारा मकसद हमारी पार्टी को आगे बढ़ाना है। ये गुलाबी घड़वा ये प्यार का घड़वा है, मोहब्बत का घड़वा है, इसमें दुश्मनी नहीं है। दूसरे घड़वों में दुश्मनी है। कमल का फूल तो है जरूर बहुत अच्छा, पर इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बांटते हैं, लोगों का अलहदा अलहदा करते हैं और हुकूमत करते हैं। एक ही पार्टी टीआरएस पार्टी है जो सारे लोगों को एक साथ जोड़ना चाहती है और सारे लोगों की तरक्की के लिए काम करने वाली पार्टी है तो टीआरएस पार्टी है। हमारे धर्मवीर साहब पार्टी में आए, यकीन इनके पास धर्म भी है, दूसरा वीर भी है, आज हमारी पार्टी में आ चुके हैं। ये धर्मवीर साहब का कदम एक बख्तावर कदम रहेगा। लोग जो सोच रहे हैं बीजेपी के बारे में वो गलत बात है। बीजेपी तरक्की के बारे में कुछ नहीं करती, खाली बयानबाजी के बारे में करती है। हमें नहीं चाहिए मजहबी पार्टी, हम सब मजहब एक ही चाहे, हम सब प्यार मोहब्बत से रहने वाले हैं, हम एक साथ तरक्की करना चाहते हैं। इसलिए एक ही तरक्की देने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब है, तो सारे लोगों को एक साथ देते हैं। आज हमारे स्टेट के अंदर हर शोबे हयात में तरक्की है। हमारे किसानों को पानी नहीं था, हमारे सीएम साहब ने कॉलेज और प्रोजेक्ट बनाकर सारे किसानों को पानी मुहैया किया। हमारे किसानों को करंट नहीं था, सीएम साहब ने आज फ्री करंट सारे किसानों को दे रहे। इंडिया में कोई सरप्लस स्टेट है तो हमारे स्टेट है। करंट हमारे हैदराबाद में भी हमेशा बराबर नहीं मिलता था, रोज 4-5 घंटे